बिहार सरकार ने स्कूल कॉलेज कोचिंग खोलने को लेकर फिर से यू टर्न ले लिया है। यानी बिहार में अब जो है स्कूल कॉलेज कोचिंग जो है जुलाई से खोलने की जो 12 जुलाई से बात थी उसमें यहां पे नया नियम आ गया है। अब जो है देखिए कि बिहार सरकार ने क्या कहा है, क्या आपकी कोचिंग खुल पाएंगे, क्या आप दसवीं के छात्र हैं तो क्या आप कोचिंग जा पाएंगे, क्या आप क्लासेज कर पाएंगे, क्या आप स्कूल फिर से जा पाएंगे, तो इसका जवाब है नहीं। तो आखिर बिहार में स्कूल कॉलेज कोचिंग पूरी तरीके से कब खुल पाएंगे, इस पे क्या जवाब आया है, जानेंगे पूरी वीडियो में। छात्र और छात्राएं साथ ही साथ पेरेंट्स भी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनके बच्चे आखिरकार काफी दिनों के बाद फिर से अपने स्कूल में जा पाएंगे, फिर से उनकी पढ़ाई जो है हो पाएगी, क्योंकि घर पे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं और जो है जब तक स्कूल नहीं जाएंगे उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी कि स्कूल में हो पाती है, जितने कि बच्चे स्कूल में सीख पाते हैं उतनी ऑनलाइन क्लासेज में नहीं सीख पाते हैं। इसके लेकर पेरेंट्स भी चिंतित हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोरोना की गाइडलाइन है ये फिर से आमने सामने आ गई है। ऐसे में बिहार सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अभी जो है स्कूल कॉलेज कोचिंग जो है फिर से नहीं खुल पाएंगे। खुलेंगे भी तो इसके लिए नया नियम जारी किया गया है। नए नियम में क्या कहा गया है जानेंगे इसी वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि सभी को जानकारी मिल सके, खासकर जो भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, दसवीं और बारहवीं के स्टूडेंट। तो बारहवीं के छात्रों को तो छूट दी गई है लेकिन दसवीं के छात्र जो हैं अभी भी उलझन में फंसे हुए हैं, आखिर वो तैयारी करें तो करें कैसे। देखिए यहाँ पे बिहार सरकार ने क्या कहा है। बिहार सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि एक क्लास के आधे बच्चे ही स्कूल जा पाएंगे और 6 फीट की दूरी पे बैठेंगे। लेकिन ध्यान से देखेंगे 12 जुलाई से राज्य के सभी सरकारी और निजी बारहवीं और बारहवीं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षण संस्थान 50% से खुलने जा रहे हैं। यानी सिर्फ और बारहवीं और 11वीं के, दसवीं के अभी कोई भी स्कूल कॉलेज कोचिंग या नहीं खुल पाएंगे। तो जो भी दसवीं से नीचे के छात्र हैं या दसवीं में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए ये कड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जब तक दसवीं के स्कूल नहीं खुलते हैं स्कूलों की रौनक जो है नहीं लौट पाएगी। बारहवीं के स्कूल कॉलेज इसलिए खुले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एडमिशन चल रहा है, इंटर एडमिशन चल रहा है, इसीलिए 11वीं के भी खोले गए हैं और यहाँ पे कॉलेज में भी एडमिशन चल रहा है इसीलिए बारहवीं के बाद के। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट के साथ उन्हें करो आउट। बस आपके सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बारहवीं ITC और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बारहवीं के बाद भी इसीलिए खोले गए हैं और जो भी कंपटीशन क्लास चलाते हैं उनकी कोचिंग तो खुल जाएंगे क्योंकि वो बारहवीं के बाद में ही आते हैं। तो ऐसे में कंपटीशन क्लासेस तो खुल जाएंगे लेकिन जो दसवीं तक के छात्र हैं जो तैयारी करते हैं आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए या जो दसवीं के छात्र घर पे बैठे हैं उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, उनका भविष्य खराब हो रहा है, वो एक बार फिर से चिंता में आ गए हैं कि आखिर उनका स्कूल कॉलेज कब खुलेगा। हालांकि ये फैसला 6 अगस्त तक के लिए जारी किया गया है, यानी 6 अगस्त तक अभी कोई भी नहीं खुल पाएंगे, सिर्फ दसवीं छोड़कर 11वीं 12वीं के स्कूल ही 50% अटेंडेंस के साथ खुलेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।